नमस्कार, आदाब एटीएन नव इंडिया में आपका स्वागत है। ये कुम्हरार विधानसभा का बूथ नंबर 37 है, जहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोगों की संख्या काफ़ी कम है। आइए हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे पोलिंग हो रहा है और काफ़ी लोगों को कमी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कुम्हरार क्षेत्र का बूथ नंबर 36 है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे अभी वोटर का कुछ है, वोट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। जैसा साइड में वोटिंग यहाँ पे अभी लगता है रुक गए हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। अब कारण जो भी हो, हम यहाँ के अधिकारी से हम बात करेंगे कि अभी तक कितना वोट हुआ, कितना महिला कितना पुरुष। क्या नाम हो आपका? रमेश कुमार। अच्छा, अभी तक जो बूथ है बूथ नंबर 36 है नहीं? जी, विधानसभा कुम्हरार नंबर बूथ पे कितने वोटर हैं और कितना वोट पड़ा? यहाँ टोटल कुल मत है 1189 1189 मत है। अभी तक 417 मत पड़े हैं, जिसमें 240 मेल हैं और 177 फीमेल हैं। और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विशेष हम क्या बोलें, अभी भी लोग उत्सुक हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं कि गति बहुत स्लो है, स्लो पोलिंग। सुबह में ठीक थी। सुबह कितना हुआ? सुबह बताते हैं, सुबह में 7 से 9 के बीच में 7% था, लेकिन 9 से 11 के बीच में 17% हो गया, फिर 11 से 1 के बीच में 27% हो गया, 1 से 3 के बीच में 32% है, और अब 3 से 5 का रिपोर्ट 5 बजे का तो हम लोग क्लियर करेंगे। डाला अभी का जो चुनाव का माहौल है, तो आपसे संतुष्ट है क्या? एकदम चुनाव के माहौल से संतुष्ट है। सरकार दोबारा आनी ही चाहिए। हाँ, आनी ही चाहिए सरकार दोबारा, बिना इस सरकार के भारत का गुजारा नहीं है। इसलिए सरकार को इस हर हाल में आना चाहिए। इतना महंगाई बढ़ गया है, आप महिला हैं, गैस का दाम बढ़ गया है, तो इससे कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ा है सर, सब नहीं महंगाई कहाँ बढ़ा है, सब चीज़ का तो महंगाई कम हो रहा है। हाँ, महंगाई कम नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जब देश विकास करेगा सर, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना। ऐसा थोड़े है कि सब डीए भी बढ़ रहा है, हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब में है, सब चीज़ बढ़ भी तो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, सैलरी भी। हाँ तो ठीक है, शराब भी बढ़ गया है, सब ठीक है, लग्जरियस सामान भी बढ़ गया है, गाड़ी का दाम भी बढ़ गया है, तो थोड़ा बहुत तो खाना पीना भी, गैस तो बढ़ेगा ना। फिर गैस का दाम तो घटा है सर, अभी तो गैस का दाम घट गया है। आपका मानना है कि महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, महंगाई का कोई असर नहीं, और विकास भी तो हो रहा है सर, सबसे पहले तो यहाँ विकास हो रहा है, विकास जरूरी है। विकास जरूरी है, महंगाई जरूरी नहीं है? नहीं, महंगाई तो नहीं है उतना, लेकिन हाँ विकास के साथ साथ, विकास होगा तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, तो महंगाई तो होगा ही थोड़ा सर, थोड़ा तो विकास के साथ महंगाई भी बढ़ी है, लोगों का यही कहना है। चुनाव जैसे हो रहा है, जब जब होता है तब तब हम लोग डालते हैं। सरकार के तरफ जितना महंगाई है, महंगाई पे कोई कानून, उसके बारे में क्या? तो सरकार कहाँ से लाएगी, हम ही लोग से न लेगी? इतना जो बन रहा है, इतना विकास हो रहा है, तो हम ही लोग बना रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं, और मोदी जी का सब नेतृत्व में सारा चीज़ को देखते हुए चलना है। और ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा महंगाई के युग में मतलब किस तरीका से क्या करना चाहिए, और जो भी चल रहा है अभी वर्तमान, और सही शांतिपूर्वक चल रहा है। और हम लोग मोदी जी को फिर दोबारा तिवाड़ा में लाना चाहते हैं, दोबारा आए तिवाड़ा में, मोदी जी ही आवे, और सबको विकास, सबका विश्वास, सबका साथ होना चाहिए। लेकिन महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या करें? महंगाई अब मोदी जी के ये में है, महंगाई तो सबके लिए बढ़ रहा है, हमारे लिए थोड़े है, तो महंगाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? महंगाई सबके लिए है, महंगाई तो है, लेकिन प्रभाव क्या पड़ना है अब हम कर... तो मतलब क्या वोट डालने का आधार क्या था, महंगाई के खिलाफ लड़ना है या वही कंटिन्यू करना? नहीं, राष्ट्रवाद के लिए है सबसे पहले तो है। अब महंगाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं कि महंगाई है, अभी के जो समय पहले जमीन था 3 लाख कट्टा, अभी हो गया 1 करोड़ रुपये कट्टा, महंगाई कहाँ है? इसलिए महंगाई के बाद में पहले फर्स्ट है राष्ट्रवाद, उसके बाद उसी के मान लीजिए 200 से अभी 1000 रुपया होगा। महिला का प्रभाव पड़ता है घर में? नहीं नहीं, इस प्रभाव क्या पड़ता है, जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, इनकम भी हो रहा है, वो भी तो आप देखिएगा, इनकम भी तो देखिएगा, सोर्स ऑफ इनकम। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए यदि आने वाले समय में गैस 2000 भी हो तो आप लीजिएगा? क्यों नहीं लेंगे, जरूरतमंद सामान तो लेना ही पड़ेगा, चाहे 2000 हो 3000 हो, लेना ही पड़ेगा। महंगाई का कोई परवाह नहीं? नहीं नहीं, महंगाई का कोई परवाह नहीं। हमको विकास के लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं, विकास के लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं है, सब जनता एक समान चले,
और मोदी जी सबको आगे बढ़ावे। सब लोग संपन्न नहीं होता है, सब लोग कोई डेली कमाने खाने वाला, उस पर प्रभाव पड़ेगा सबका, सबके लिए कोई प्रभाव नहीं है सर। अभी के समय में सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एक सब्जी वाला भी मोबाइल रखे हुए है, ये अभी गरीबी नहीं है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है, सब कोई जी रहा है। सरकार दोबारा रिन्यूअल होना चाहिए एकदम मोदी जी को आना चाहिए, चार सौ पार। सबसे पहले महंगाई कम हो जाए कि संसार जिए। लेकिन सरकार कोई भी है महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल ना कर है मगर का करल जाए। किसको मानती है अब? अभी तो जहाँ हिला उनके मानव सरकार को बदलना चाहिए। अगर उचित व्यवस्था न रहती तो बदलना तो जरूरी है। कौन बदलेगा, उसका अधिकार किसके पास? जनता के पास है। आप एक नागरिक हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं। हम जनता ही ला, आप जनता हैं। तब न बदलेगा। हाँ एकदम, कोई आदमी वो चेतन हो जाता है कि नहीं बदलेंगे, जो हो रहा होने जो हो रहा है सब वैसा ही करते हैं। इसी में आप भी शामिल हैं? यही में शामिल हो जाते हैं, हम भी शामिल हो जाते हैं। दुनियादारी जो गलत है तो गलत है में शामिल है, क्या बताया जाए। बढ़ तो गया है सब कुछ, तो सरकार बदलना चाहिए कि भाई? हाँ बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। क्यों? महंगाई बहुत है, बेरोजगार, नौकरी भी नहीं है। क्या लगता है ये सरकार अभी है तत्काल डबल इंजन का सरकार, केंद्र राज्य सब एक ही है, तो बदल के देखना चाहिए। बदल के देखना चाहिए, आप चाहते हैं बदलाव? हाँ बदलाव चाहते हैं। महंगाई आपके लिए दिक्कत वाला? हाँ बेरोजगारी है। क्या करते हैं आप? फोटोग्राफी करते हैं। स्टिल वीडियो, स्टिल शादी मैनेज वाला करते हैं, सीजन वाला काम है। हाँ शादी समाप्त काम समाप्त, क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर क्या, यही सब चलते रहता है, पहले काम बहुत होता था, अब काम बहुत है ना। आप बताइए, गैस का दाम इतना बढ़ गया, कोई दिक्कत है खाना बनाने में आपको? हाँ बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ गया तो बहुत दिक्कत है ना, महंगाई बढ़ गया तो दिक्कत तो है। चाहती कि महंगाई कम हो? हाँ चाहते तो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सरकार बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि बस इसके बारे में कुछ सोचे आप, एक शब्द में मुझे भी बताइए कि महंगाई कम होना चाहिए या सरकार कंटिन्यू होना चाहिए? थोड़ा सा महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। कम होने का तो आसार नहीं है, आप देख लीजिए लास्ट 5 साल में कोई भी सामान का दाम कम नहीं हुआ, बढ़ता ही। हाँ ये बात तो है आपका कहना, लेकिन हम अब लगता है कि अब जो है कम होना चाहिए। 10 साल पहले भी सुना था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे भी उम्मीद रखते आदमी जो एक्सपेक्टेशन तो रखती है ना कि आगे आगे हमारे दिनों में सरकार ये चीज़ सोचेगी कि महंगाई के ऊपर क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। देखिए तो बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? थोड़ा सा चाहते हैं बदलाव, बदलाव चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर बदलाव चाहते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? नो कमेंट्स प्लीज, आप मुझसे मत पूछिए। कुम्हरार विधानसभा का बूथ नंबर 36 और ये 37 है। अब शाम होने वाले हैं, कुछ ही देर में यहाँ का पोलिंग बंद हो जाएगा, सारे उम्मीदवारों का भाग इस ईवीएम में बंद हो जाएगा। 4 तारीख को सारे उम्मीदवार का किस्मत खुलेगा, उस दिन पता चलेगा कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनेगी। एटीएन लाइव इंडिया, अकरम अली। ATN Live.